तो डेंगू मलेरिया स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है इस बात का जायजा लिया हरियाणा न्यूज की टीम ने। हमारी टीम फरीदाबाद पहुंची लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आईं उसने सभी को चौंका दिया। जागरूकता का पाठ पढ़ाने वाला स्वास्थ्य विभाग खुद गंदगी के ढेर पर अपना कार्यालय चला रहा है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद शुरू करेंगे बड़ी बहस। प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान की शुरुआत करता है, लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी परेशानी का सबब भी बनती है। हाल के दिनों की बात करें तो डेंगू मलेरिया ने अपने पैर पसार लिए हैं। जिला मलेरिया विभाग ने डेंगू के 6 और मलेरिया के 10 नए मामलों की पुष्टि की है। डेंगू के 6 मामले थे, अभी तक 4 और नए आए हैं इसी पिछले हफ्ते में, और जो मलेरिया के हैं वो मलेरिया के 10 मामले। अब टोटल कितने हो गए? टोटल 90। चलिए आपको पहले कुछ ताजा हालातों से रूबरू कराते हैं। मामला गंभीर है तो हरियाणा न्यूज ने भी पड़ताल की, और जब हमारी टीम फरीदाबाद पहुंची तो हालात इतने बदतर थे जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। हम खड़े हैं इस समय जो स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया के जो अधिकारी हैं डॉक्टर राम भगत, उनके कार्यालय पर, जहां उनका कार्यालय है और जो लोगों से जहां पर वो मिलते हैं, और उन्होंने अभी दावा किया है कि उनका सर्वे अभियान चल रहा है, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो जरा इनके कार्यालय का भी नज़ारा इनको दिखाएं, किस तरीके से यहाँ गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, किस तरीके से यहाँ जो है कबाड़ा भरा हुआ है जहाँ पर अधिकारीगण बैठते हैं। और यहाँ की बात करें बीके अस्पताल की, जो जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, इस अस्पताल की हालत आप देख सकते हैं, यहाँ पानी भी भरा हुआ है। जहाँ से मेन रास्ता, जहाँ अंदर कार्यालय में जाने का है जो मेन रास्ता है, और मेरे दाई और बाई तरफ दोनों तरफ देखें तो कितना बड़ा यहाँ पर पूरा कबाड़ा यहाँ पर जमा हुआ है। मच्छर जो पैदा होते हैं वो गंदगी में पैदा होते हैं। अब इसी बात से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ कितना सजग है जो स्वास्थ्य विभाग है, पूरा एकदम आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे भी कितना सारा कबाड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी तरफ स्वास्थ्य विभाग का कोई ध्यान नहीं है। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू और मलेरिया को रोकने के लिए कितना गंभीर है। जहाँ पर मलेरिया और डेंगू विभाग के अधिकारी का कार्यालय है वहाँ ये गंदगी का अंबार किस बात की ओर इशारा करता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना गैर जिम्मेदार है और अधिकारी कितने लापरवाह। अब इस बरसात के जमा पानी को ही देख लीजिए, अब इसमें बीमारियां पैदा नहीं होंगी तो क्या होगा। स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में पड़े इस कबाड़ में बरसाती पानी इकट्ठा है और कार्यालय के मेन रास्ते पर साफ पानी भरा हुआ है जिसमें हजारों की तादाद में मच्छरों का लार्वा पैदा होने की उम्मीद भी जताई जा सकती है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करता है, जहां हर बीमारी पर गंभीर संज्ञान लिया जाता है, वहां के अधिकारी ही खुद जागरूकता से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। जागरूकता और मलेरिया के बारे में बताने वाले अधिकारी ही जब गंदगी के ढेर में कार्यालय चला रहे हैं तो फिर आम जनता किसके भरोसे। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। जी हाँ, खास खबर में आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिरकार ये कैसा स्वास्थ्य विभाग है और गंदगी पर जो कार्यालय चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। कबाड़ भरा हुआ है वहां पर, बरसाती पानी भरा हुआ है सड़कों पर, अंदाजा लगा सकते हैं वहां का जो क्षेत्र है कितना गंदा है, और इस पर कार्यालय है स्वास्थ्य विभाग का। ये तस्वीरें आप टेलीविजन सेट्स पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं। कूड़े के ढेर पर कार्यालय खुलेआम चल रहा है। उप सिविल सर्जन फरीदाबाद हरियाणा, देख सकते हैं आप तस्वीरें कि फरीदाबाद की तस्वीरें किस बात की तस्दीक करती हैं, तस्दीक करती हैं लापरवाही की, तस्दीक करती हैं अधिकारियों की गैरफरमानी की, तस्दीक करती हैं गैर जिम्मेदारी की। तस्वीरों से आप महज अंदाजा लगा सकते हैं कि डेंगू विभाग और मलेरिया विभाग का अधिकारी का कार्यालय जब गंदगी के अंबार पर बना है तो कैसे डेंगू मलेरिया स्वाइन फ्लू के मामलों में रोकथाम होगी। भगवान भरोसे है स्वास्थ्य विभाग। जागरूकता और मलेरिया के बारे में बताने वाले अधिकारी अब गंदगी में ढेर का कार्यालय चला रहे हैं।
तो राजेंद्र धई हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए, पहले उनसे जान लेते हैं। राजेंद्र, वहां के हालात क्या हैं और ये कूड़े के ढेर पर स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय चल रहा है, आपने वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की, तस्वीरों को देखा, क्या कुछ नजारा देखने को मिला वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बिल्कुल दोनों जो जहाँ कार्यालय बनाया हुआ है उसके बिल्कुल चारों तरफ पूरी तरह से कबाड़े का ढेर लगा हुआ है, जो पूरे उसमें जो बरसाती पानी है वो भी 100% इकट्ठा होता होगा, क्योंकि जो वहाँ पर कुर्सियां मेज हैं और लोहे का जो और सामान पड़ा है उसमें जो पानी जमा होता है उसी में जो डेंगू का मच्छर है वो पैदा होता है, जो बरसाती जो पानी होता है जिसमें हवा लगती है, धूप लगती है। तो निसंदेह ये कहना कोई गलत नहीं है कि यहाँ पर भी लार्वा हजारों की तादाद में, यहाँ पर लाखों की तादाद में लार्वा मिलेगा। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग अपने दावे करता है कि भाई हम सर्वे कर रहे हैं और लोगों के घरों में जा रहे हैं, तो वो इस बात की पुष्टि यहाँ हो जाती है कि स्वास्थ्य विभाग है जो कितना सजग है लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, इस बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने, अंदाजा लगाया जा सकता है। जब उसका विभाग का कार्यालय की बात की जाए तो वो खुद कूड़े के ढेर पर है। बात की जाए वहां के अधिकारियों की, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ उन्होंने कहा? नाफरमानी, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, ये तस्वीरें निकलकर इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया दी है पूरे मामले पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अधिकारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी सर्वे की जो टीम है पूरे शहर में सर्वे कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है, और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको नोटिस दे रहे हैं। लेकिन बात यहाँ, सवाल ये होता है कि लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, इन लोगों को नोटिस कौन देगा जिस तरीके से यहाँ पर कबाड़ा और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो कि जहाँ की लाखों लोग अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए यहाँ पहुँचते हैं और सबसे बड़ा जिले का सरकारी अस्पताल है, तो ये लापरवाही सरेआम इनकी यहाँ दिखाई दे रही है और जो दावे हैं वो खोखले साबित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, खोखले साबित हो रहे हैं। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब आप मौके पर पहुंचे, आपने वहां पर जाने की कोशिश की और आपने इतनी हिम्मत जुटाई और कबाड़ में जिस तरीके से तस्वीरें देखी है, कार्यालय देखा है, वहां पर कोई प्रतिक्रिया आई, कोई सुधार होगा अब कि जो पड़ा था वो वैसा ही पड़ा रहेगा? जब हरियाणा न्यूज का कैमरा वहां पर टिका तो वहां पर पूरी तरह से जो है भगदड़ मच गई है, और अब उसको वहां से हटाए जाने की जो है कवायद यहां पर सीएमओ साहब कर रहे हैं, और अभी उन्होंने जब हमने बात की तो उन्होंने दावा किया कि मैंने आदमियों को वहां पर लगा दिया और उस कबाड़े को हटवाया जा रहा है। हाँ, बड़ा सवाल है राजेंद्र कि आखिरकार आदमियों को लगा दिया है, पानी ठहरेगा वहां, मच्छर पलेगा वहां, वहां बोर्ड पर लिखा हुआ है लेकिन तस्वीरें कुछ और ही हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये सुधार हो पाता है पूरे मामले पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका, आप बनाए रहे नजर इसी खबर पर और देखिए कि स्वास्थ्य विभाग कितनी हरकत करता है और आपके वहां पर जाने के बाद क्या कुछ तस्वीरें इस कूड़े के ढेर पर सुधार हो पाता है। तो तस्वीरें आप अंदाजा लगा सकते हैं, मलेरिया से ऐसे कैसे बचाव होगा, इनमें बारिश का पानी भर जाता है जिससे मच्छर पैदा होते हैं, रात को बाहर सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, बचाव के लिए हम आपको तमाम चीजें बता रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कैसे सुधार होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज वत्स हैं, पूर्व निदेशक हैं हेल्थ के, स्वास्थ्य विभाग के हैं हरियाणा से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। डॉक्टर साहब, अंदाजा लगा सकते हैं एक लापरवाही का आलम, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कूड़े के ढेर पर कार्यालय है, स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय है, ऐसे में कैसे सुधार होगा और भगवान भरोसे कहा जाए स्वास्थ्य? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, अधिकतर ये फरीदाबाद नहीं, सभी जगह ये हालत है। जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय जो है वो इग्नोर्ड है हर जगह पर, ये विभाग जो है वो इग्नोर रहा है, और ये जो दूसरों को हम सब बातें सलाह देते हैं, जो आम नागरिक को जो सलाह देते हैं वो अधिकतर अस्पतालों में, सुसर्जन कार्यालयों में और जिला मलेरिया कार्यालयों में अपने यहीं पर उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। बिल्कुल, तो सबसे पहले क्रियान्वयन अपने यहाँ पर होना चाहिए। अभी आपने बिल्कुल सही तस्वीर दिखाई, आज की तस्वीर नहीं है, मैं 1990 से जुड़ा रहा हूँ फरीदाबाद से, किसी न किसी रूप में, कभी चिकित्सा अधिकारी, कभी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और कभी सिविल सर्जन के नाते से। वो मलेरिया विभाग बेचारा एक ऐसी सड़ीगड़ी जगह जहाँ आपने दिखाया वहाँ पर है, और इतना ही नहीं है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी जो बैठते हैं, अगर आप उनका भी अपने उनको बोलें, अपने संवाददाता को, कि वो जगह भी दिखा दें जहाँ पर वो बेचारे अधिकारी और कर्मचारी बैठ के, बाकी लोग भी बैठ कर जहाँ पर काम करते हैं। पिछले कई सालों पहले इसको
प्रॉपर सिविल सर्जन कार्यालय बनाने के लिए अनुरोध किया गया था बहुत सालों पहले, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई, कोई फंड, कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं हो पाई है। तो समुचित इसको आमूल परिवर्तन की आवश्यकता वहां पर है। नहीं पंकज जी, वही सवाल है कि आखिरकार आमूल परिवर्तन की जरूरत तो है, लेकिन करेगा कौन, जिम्मेदारी कौन लेगा? और बड़े बड़े बैनर्स के माध्यम से, बोर्डिंग्स के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से हम जनता को तो जागरूक करने की बात करते हैं, लेकिन खुद का कार्यालय है स्वास्थ्य कार्यालय, वो कूड़े के ढेर पर है, शर्मनाक बात है। तो दूसरों को आप जो बात कहते हैं वो उससे कम से कम अपने स्थान से तो शुरुआत उसकी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो अगर आप जो लोग वहाँ अस्पताल में पहुँचते हैं या उस जगह को देखते हैं तो उनपे उनके दिमाग पर क्या इम्प्रेशन पड़ता होगा, और जब सिविल और जब जो जिला मलेरिया अधिकारी अपने कार्यालय को या सिविल सर्जन अपने कार्यालय को अपने अधिकारी में कार्यालय को ठीक से ना रख पाएंगे तो बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप क्या सोचेंगे कि कितना इफेक्टिव उनका कहना रहना और काम करना रहेगा। हाँ, तो इसमें जवाबदेही किसकी होगी पंकज जी, इसमें जवाबदेही किसकी होगी और कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? देखिए जिला मलेरिया का जो बजट है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है और बहुत सालों से थमा हुआ है, एक स्थान पर थमा हुआ है जी। और उसी लगभग उस केवल सैलरीज पर है और जो वहाँ पर जो स्टाफ जो है वो नई नियुक्तियां हो नहीं रही हैं, पुराने लोग रिटायर हो गए हैं। तो एक छोटा सा फ्रेमवर्क कहने के लिए एक जिला मलेरिया विभाग जो है वो हर जिले में कार्य करता है और अधिकतर जगह पे तो जिला मलेरिया अधिकारी होते भी नहीं है, किसी ना किसी को एडिशनल चार्ज उसका दे दिया जाता है। थोड़ा सा बजट आता है उसमें कुछ पॉम्फलेट छपते हैं, कुछ पोस्टर छप जाते हैं सिवाय इसके, और अब जो पेट्रोल डीजल जो फॉगिंग मशीन अगर कहीं पे है उसके लिए भी उनको देखना पड़ता है। दूसरी क्यों, वजह क्या है क्यों? ये एक्चुअली नेशनल लेवल पे जो है वो बजट शुरू से इतना आकलन आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, केंद्र की तरफ से नहीं दिया जाता, स्टेट का इसमें ज्यादा रोल रहने हैं, सारा बजट केंद्र से ही आता है। बिल्कुल, हमारे साथ रेनू भाटिया हैं, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। रेनू भाटिया हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं। रेनू जी आवाज मिल रही है आपको? रेनू जी क्या आप सुन पा रही हैं? हाँ जी हाँ सुन पा रही हूँ। हाँ रेनू जी, आपको ये मामला पता है, संज्ञान में है आपके ये मामला? पूरा नहीं डिटेल मालूम, लेकिन ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। फरीदाबाद में जो स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय है, मलेरिया विभाग का जो कार्यालय है वो कूड़े के ढेर पर है, आसपास गंदगी है, बेइंतहा गंदगी है, कबाड़ है, वहां पर पानी भरा हुआ है और उसमें वहां पर बोर्ड लगाए, एक बोर्ड में लिखा हुआ है पानी बचाएं, जमा हुआ पानी हटाएं और मलेरिया भगाएं, और उसमें जो अधिकारी बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं वो गंदगी में बैठे हैं, खुद गंदगी है और प्रदेश में मलेरिया को भगाने की बात की जा रही है, कैसे संभव है सरकार के लिए? देखिए मुझे ऐसे लगता है कि जिस चीज को हम दिशा निर्देश दूसरे को देने की बात करते हैं उस पर स्वयं पहले अमल करना चाहिए। नो डाउट आपने जो, जी नो डाउट आपने ये कमी जरूर होगी, मैं पर्सनल तौर पर नहीं देख पाई हूँ इसे, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से और संगठन की तरफ से एक नागरिक होने के नाते भी जिला सीएमओ से निवेदन करती हूँ कि वो इस चीज का जरूर ध्यान करें, अन्यथा जो भी इस चीज के जिम्मेदार हैं, जिनका दायित्व बनता है ये सब देखने का, उनके खिलाफ इस इन मामले को लेकर अगर बढ़ो। रेनु जी, दायित्व तो बनता है, जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन पूरी कौन करेगा? सरकार केंद्र की तरफ से बजट पारित किया जाता है, केंद्र पूरा नहीं करती, मलेरिया विभाग को नहीं देती, राज्य की तरफ से तो कुछ ज्यादा है नहीं। ये विषय मैंने अभी सुना कि केंद्र का एक लिमिटेड बजट है और वो इंक्रीज नहीं हुआ, तो इस विषय को ये कभी भी हमारी मीटिंग हो इन सब को लेकर उसमें उठाने का विषय और मैं जरूर ध्यान में रखूंगी। रेनू जी, ऐसा क्यों होता है सरकार के बाद हर बार हम बात करते हैं, सरकार की जब आपसे हमारी बातचीत होती है चैनल के माध्यम से हो या फिर आपसे, हम बताते हैं कि ये समस्या है, उसके बाद सरकार के सामने रखी जाती है, क्या सरकार को जमीनी स्तर पर नहीं पता यहाँ यहाँ समस्याएं हैं, यहाँ यहाँ पर खामियां हैं, इस विभाग में सुधार की जरूरत है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है? सरकार को अपनी जगह अपनी जिम्मेवारियों का पता होता है, परंतु जो लोग डिमांड रखने वाले लोग हैं, जैसे अब इन्होंने बताया कि बजट कम है, फिल है बजट केंद्र में, वो अभी इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये सारी बातें ये स्टाफ बताएगा जो जिनका जिनको बजट को इस्तेमाल करना होता है। तो मैं समझती हूँ ये स्टेप बाय स्टेप हर एक का दायित्व बनता है, मेरा दायित्व कुछ और बनता है। नहीं, सरकार से आप क्या सुनिश्चित कराएंगी, सरकार से सुनिश्चित कराएंगी कि ये तस्वीरें ना आए, बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं सरकार के लिए भी, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी? देखिए सिविल सर्जन का अपना कार्यालय नहीं है, सिविल सर्जन का कार्यालय एक रिहैबिलिटेशन यूनिट थी, वहां पर एक पहले वो अस्पताल के एक कमरे में था,
उसके बाद वहां से जो अस्पताल नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, तो जहां पे आई के ऑपरेशंस होते थे, आंखों के लिए एक सेंटर ऐसा बनाया था, उसमें सिविल सर्जन का कार्यालय शिफ्ट कर दिया गया। तो बेसिकली सिविल सर्जन अधिकारी, सिविल सर्जन, मलेरिया अधिकारी, फैमिली वेलफेयर ऑफिसर, इनके लिए अपने कार्यालय ही नहीं है। बिल्कुल, आज तक तो फिर उम्मीद आज तक स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होंगी? जिला सेक्रेटरिएट बनते हैं, आपके कोर्ट्स बनती हैं, कभी आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग का कहीं सेक्रेटरिएट बना है या उसके अफसरों के लिए कोई स्थान अब समुचित व्यवस्था की गई है? ऐसा नहीं है, वो तो स्केप अपना छोटा मोटा, जैसे इधर से इधर शिफ्ट हो गए क्योंकि सिविल सर्जन है तो किसी भी कमरे में अपना डेरा डाल लेता है बेचारा। पुरानी बिल्डिंग है ये जो बिल्डिंग में जहाँ पे आपने दफ्तर दिखाए हैं, ये शायद सेफ नहीं है, अनसेफ घोषित हो चुकी है स्टाफ के बैठने के लिए भी। तो ऐसी व्यवस्था कहीं पर जिला कार्यालय नहीं है, जिला की व्यवस्था नहीं है, अधिकारियों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, व्हीकल्स नहीं है, बजट नहीं है। तो बस वो जैसे सरकार के लोग लिपा पोती करते हैं, इसी प्रकार से बेचारे चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी अपनी बातें कह देते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हैं राम प्रकाश, हैं फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम प्रकाश जी जिला महामारी के विशेषज्ञ हैं। राम प्रकाश जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। राम प्रकाश जी, महामारी को कैसे आप भगा पाएंगे? ये तस्वीरें तो बेहद ही भयावह हैं और चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। क्या ऐसे महामारी भागेगी कि स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय कूड़े के ढेर पर हो और बीमारियां भाग जाएं? सर देखिए, जो कार्यालय है वो एक सर अलग इशू है और सर जो काम करना है सर वो एक अलग इशू है। बाकी सर डिपार्टमेंट है सर, अलग अलग नए नए हर साल डिपार्टमेंट आ रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं पे सर बैठने की दिक्कत हो सकती है। लेकिन सर काम है सर, वो तो काम तो सर अपने को फील्ड में करना है, तो काम तो सर फील्ड में करना है और सर फील्ड में काम चल रहा है सर, जो भी अपनी जो मैन पावर है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल राम प्रकाश जी, डॉक्टर पंकज वत्स हैं, पूर्व निदेशक हैं स्वास्थ्य सेवाओं के हरियाणा से, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पंकज, कार्यालय भी तो फील्ड का ही एरिया है, आपके अपने कार्यालय में जब आप दूसरों को जो सलाह दे रहे हैं, दूसरे के चिंतन के लिए कह रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं, आम पब्लिक से जो आशा करते हैं, आम पब्लिक से जो अपेक्षा करते हैं, तो क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अपने स्थान पर वो चीज नहीं करनी चाहिए? ये दो विषय अलग कैसे हो सकते हैं? आपके जो मैंने बात कही है, आप मुझे बताएंगे कि पिछले साल के बजट के इस साल के बजट में कोई चेंज है? सर आपके पास जो बजट है वो सफिशिएंट है क्या? फरीदाबाद जैसे बड़े शहर के अंदर मलेरिया का जो बजट आपके पास अवेलेबल है, जो अधिकारी आपके पास अवेलेबल है, क्या स्टाफ अवेलेबल है, उससे क्या आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं? क्या वहां पर बिल्डिंग की बिल्डिंग सिविल सर्जन का ऑफिस कोई डेजिग्नेटेड ऑफिस नहीं है सिवाय जो पहले से किसी बिल्डिंग में आपने कहीं पे भी अपना डेरा डाल लिया है वो नहीं है? क्या वो बिल्डिंग अनसेफ नहीं है? तो विषय को डाइवर्ट ना करें। राम प्रकाश जी, आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी रहते हैं, कृपया इस समस्या को उच्च अधिकारियों तक, सरकार तक जाने दीजिए ताकि इसका समाधान हो। बिल्कुल, छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। पंकज जी, हम आपसे देखिए, पंकज जी आप डिपार्टमेंट के सर, आप सीनियर से, आप मतलब कि सीनियर पोस्ट से आप रिटायर हुए हैं, आप जानते हैं सर ये सारा कुछ पॉलिसी मैटर होता है। हाँ, और मैं वही और कह रहा हूँ कि इसका मतलब सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और हम लोग सर जिस लेवल पे हैं सर, उस लेवल पे सर हम लोगों को जो भी सर टास्क दिया जाता है सर, उसको हम लोग बेहतर ढंग से करने की कोशिश करते हैं और अपनी जो समस्या होती है उसको हम लोग टाइम टू टाइम स्टेट को सर बताते हैं और सर उसका निराकरण भी होता है सर टाइम टू टाइम निराकरण होता है। राम प्रकाश जी, आपने कहा कि समस्याओं को आप बताते हैं, किस नजरिए से बताते हैं, किस तरीके से बताते हैं? कि लंबे अरसे से फरीदाबाद में ये बात की जाए तो ये स्वास्थ्य कार्यालय चल रहा है और एक लंबे अरसे से गंदगी वहां पर व्याप्त है, कूड़ेदान में ढेर में वहां सेवाएं दी जा रही है स्वास्थ्य की, क्या बता रहे हैं आप और क्या कार्रवाई हो रही है? सर पहली बात सर मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं सर डिस्ट्रिक्ट, मैं सर यहां गुड़गांव से सर मैं बिलोंग कर रहा हूं, मैं सर यहां पे, कोई बात नहीं, कहीं से बिलोंग कर रहे हो आप उससे मतलब नहीं है, बात यह है कि आप संबंधित विभाग से तो संबंध रखते हैं ना? सर जो ग्राउंड रियलिटी क्या है सर उससे हमें उतना नहीं पता है, लेकिन सर हम लोग यहाँ पर जो अपने पास मैन पावर है सर, जो अपने पास रिसोर्सेज है उसके अनुसार। आप राम प्रकाश जी, आप इस चीज को यहाँ पर कहकर कन्नी नहीं काट सकते कि मैं गुरुग्राम से करता हूँ और वो फरीदाबाद का मामला है या कहीं और का मामला है, ऐसे कहकर आप कन्नी नहीं काट सकते। सर मैं आपकी बात को कन्नी नहीं काट रहा, मैं कह रहा हूँ कि सर मैं जिस लेवल पे सर, जानते हैं आप, आपको भी सर पता होगा कि हर लेवल सर एक, हर काम करने का सर एक लेवल होता है, जो हम लोगों का लेवल है सर वो लेवल सर ये नहीं। ठीक है, ठीक है, आप ये बता दीजिए मुझे, इस मामले में आप आवाज पहुंचा सकते हैं, अपनी तरफ से कोई लिखित में शिकायत दे सकते हैं या फिर फोन के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक, सीएम विंडो के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप?
सर इसमें सर हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि सर हमारे जो सीनियर्स हैं वो सर इन सारी चीजों को देखते हैं और उनको जो जो चीज लगता है सर वो लोग अपने उच्च अधिकारी को सर टाइम टू टाइम बताते रहते होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े हैं। डॉक्टर पंकज वत्स से एक लास्ट रिएक्शन, लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा मैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जिम्मेदारियों से पीछे हटा जा रहा है विशेषज्ञ के तौर पर, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? नहीं, देखिए इनका जो लाइन, इनका जो एक्शन प्लान है, इनका प्लान ये है कि जो सर्वेलेंस हो रहा है, जो वहाँ पे कार्रवाई हो रही है मलेरिया के बारे में, उनके बारे में टेक्निकल सपोर्ट देना है, टेक्निकल जानकारी लेना, इसलिए ये बात कह रहे थे भी मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ। एक सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आज की तारीख में आपके टीवी के चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बहुत हाईलाइट्स हो रहे हैं, कहीं गोरखपुर हो रहा है, कहीं बाकी हो रहा है, बिल्कुल वही स्थिति हरियाणा की भी है। और आप देख रहे हैं वहां पे कि आईएमए के प्रेसिडेंट ने बोला है कि एक एक बेड पे तीन तीन पेशेंट, कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सुविधाएं प्रॉपर हो सकती हैं? बिल्कुल। तो जब तक स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट सेंक्शंस प्रॉपर नहीं होंगे, प्लानिंग तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, बाकी सब चीज नहीं होंगे, तब तक रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के स्तर पर भी देखना चाहिए अनिल, और यहाँ पे ना एक सेग्रीगेशन भी नहीं है। आप देखिएगा स्वास्थ्य विभाग का जिला मलेरिया अधिकारी का काम क्या है, उसको लोगों को केवल जागरूक करना है, जो गंदगी हटानी है, साफ सफाई करनी है, पानी इस तरह की व्यवस्था नहीं हो, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम, पंचायत का काम है। बिल्कुल। और जब बीमार अगर हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो सिविल अस्पताल में आके वहां पर उनके इलाज की व्यवस्था है। तो इसलिए अलग अलग लोगों का अलग अलग वो जिम्मेदारियां ठीक तरीके से नहीं निभाई जा रही, कार्य वो नहीं निभाया जा रहा। जिला मलेरिया अधिकारी के पास मुझे नहीं लगता कि सफाई के लिए कर्मचारी होंगे, वहां इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, बजट अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए वो, और वो दैट इज, अगर वो देखा जाए तो दैट इज वो कार्यालय सिविल सर्जन कार्यालय का पार्ट है। बिल्कुल, तो पूरे सिविल सर्जन कार्यालय पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए और आपने बहुमूल्य समय दिया और आपने विश्लेषण किया। तो खास खबर में हमने आज विश्लेषण किया कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय ही गंदगी के ढेर पर बना हुआ है। सवाल यही है, जब स्वास्थ्य सेवाएं गंदगी के ढेर पर होंगी तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की इच्छा कैसे की जा सकती है, संभावना कैसे जताई जा सकती है और यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होंगी? भगवान भरोसे हैं। अब इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कितना बजट दिया जाता है, कब दिया जाता है, कब सुधार होता है, ये जिम्मेदारी सरकार को भी देखने की होगी। कितना सुधार होता है समय बताएगा। फिलहाल खास खबर में इतना ही, नमस्कार।